We are doing chapter working of institutions. Yesterday we have done parliament key powers. You have done functions of parliament. What is parliament? You have done two types of houses. After doing legislature, we have started next organ, and that is executive. And you have done define executive and two types of executive also, permanent and political executive. You have done all. Okay. So today we are going to start with Council of Ministers, also the part of executive. ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में ही आपने करना है. इन एग्जीक्यूटिव ओनली थ्री टॉपिक्स आर लेफ्ट एंड दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसको एक्सप्लेन करना है. देन वी हैव टू डू द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाउ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, एंड देन हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री इज इलेक्टेड, राइट, हिज पावर्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. तो आपके ये टॉपिक करने के बाद योर टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी कंप्लीटेड. तो इज इट क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद Council of Ministers. So write like this, Council of Ministers. Okay? First of all, we will do Council of Ministers, then we will do Cabinet Ministers, then Ministers of State with independent charge, and then Ministers of State, jinhe aap Deputy Ministers bhi keh sakte ho. Okay? So do like this, Council of Ministers, Cabinet Ministers, Ministers of State with independent charge, and then मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, या आप डिप्टी मिनिस्टर्स भी इनको कह सकते हो. ठीक है? तो एक एक करके हम सबके बारे में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स, ऑल द मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स. It has 60 to 80 ministers of different states. It usually has 60 to 80 ministers of different states. 60 to 80 ministers of different states. Vary karta hai number. 60 to 80 ministers of different states. Now listen again, Council of Ministers. इसमें आप कहोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, इट इज एन ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर. इट यूजुअली हैज 60 टू 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. 60 टू 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, ऑफ डिफरेंट रैंक्स. अब नंबर वन पे आप करोगे कैबिनेट मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो इसके लिए आप नंबर वन पे पहले ये बताओगे, दीज आर द मिनिस्टर्स, दीज आर टॉप रैंक मिनिस्टर्स. ये टॉप रैंक मिनिस्टर्स हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर टॉप रैंक, ये सबसे टॉप रैंक मिनिस्टर्स होते हैं. एंड दे टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर टॉप रैंक मिनिस्टर्स. दे टेक मेजर डिसीजंस फॉर द कंट्री. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द टॉप रैंक मिनिस्टर्स एंड दे टेक मेजर डिसीजंस फॉर द कंट्री. फिर इसमें आप ये भी बता सकते हो, कैबिनेट इज नोन एज द इनर रिंग. इट इज नोन एज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Cabinet is also known as the inner ring of the Council of Ministers. These are top rank ministers. They take major decisions for the country. Cabinet is also known as inner ring of the Council of Ministers. These ministers are very close to Prime Minister. Cabinet ministers, they are very close to Prime Minister. Very close to Prime Minister. और कैबिनेट मिनिस्टर्स में ही आप इनका नंबर आप कह सकते हो वेरी करता है. एट प्रेजेंट जैसे हम कहेंगे 30 भी हैं, ठीक है ना, वेरी करता है. वैसे तो 20 to 30, अब एट प्रेजेंट 30 मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं एट प्रेजेंट 30 हैं. ठीक है? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आप बताओगे दीज आर टॉप रैंक मिनिस्टर्स. दे टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री. दे आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज्यादा क्लोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं.
इनके पास मेजर डिपार्टमेंट होते हैं कंट्री के, मेजर डिसीजन यही लोग लेते हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट, मेजर डिपार्टमेंट होते हैं इनके पास, दे टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री। और साथ में आपको कहोगे वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट इज ऑल्सो नोन एज एन इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आप साथ में बताओगे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट प्रेजेंट 13, ठीक है, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एट प्रेजेंट 13 है कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब आप इसमें बताओगे दीज आर, ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज में आप बताओगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। These are in charge of smaller ministries. They are responsible for the department given to them, allotted to them. These are in charge of smaller ministries. ये smaller ministries के इंचार्ज होते हैं and they are responsible for the department allotted to them. अपने department के लिए responsible होते हैं। नेक्स्ट, इसी में आप बताओगे दे अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट्स इफ दे आर इनवाइटेड बाय देम, ये कैबिनेट की मीटिंग तभी अटेंड करेंगे अगर कैबिनेट वाले इन्हें इनविटेशन भेजते हैं तो, अदरवाइज नॉट। दे अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट्स इफ दे आर इनवाइटेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदरवाइज दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग्स, ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला है वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, जो मेजर डिसीजंस लेते हैं कंट्री के लिए, जिनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मोस्टली मीटिंग्स होती हैं, वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आपने कहना दीज आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर डिपार्टमेंट, स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, एंड दे आर responsible for the department allotted to them, अपने department को लेके ये लोग answerable होते हैं, responsible होते हैं। फिर आपने कहना they attend the meetings of cabinets, ये cabinets की meeting तभी attend करेंगे जब इन्हें invitation भेजा जाता है cabinet से, otherwise they will not attend the meetings of cabinet, cabinet की meeting ये लोग attend नहीं करते। Next आगे deputy ministers, ministers of state, अब इसमें आप बताओगे these are the ministers who help the cabinet ministers in their work. These are the ministers, ये वाले ministers attached होते हैं with the cabinet. These are the ministers who help the cabinet ministers in their work. Ministers of state. These are the ministers who help the cabinet ministers in their work. तो अब अपने आप सोचो कि सबसे powerful कौन है cabinet ministers? अब council of ministers, पहले तो आप बताओगे के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें 60-80 कई बार डिपेंड करता है, वैसे 15% ऑफ द टोटल जो होते हैं ना मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, उसका 15% जो होता है ना दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 15% जो लिया जाता है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को कौन इनके नेम सजेस्ट करता है, नेम्स आर सजेस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इनके नेम सजेस्ट करते हैं, एंड देन ओथ सेरेमनी जो है दैट वाज दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाते हैं। तो इसके बाद ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स को इनको अलॉट किए जाते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं जिनको मेजर डिपार्टमेंट दिए जाते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं दे टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट को हम कहते हैं इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट में एट प्रेजेंट नियर अबाउट 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप कहोगे कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के होते हैं ये इन चार्ज, और साथ में इनको जो डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं ना दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डिपार्टमेंट्स। दे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट इफ दे आर इन्वाइटेड, अदरवाइज they will not attend the meetings, ये attend नहीं करते, सारे decision यही लोग लेते हैं, ये तो तब जाते हैं अगर इन्हें invitation आता है। ministers of state they are, इनको क्यों रखा जाता है ministers of state, help the cabinet ministers, ठीक है, ministers of state help the cabinet ministers, cabinet ministers की help करते हैं। तो this is about council of ministers, council of ministers।
वाज इट क्लियर? जब एक मिनट, कल मैंने करवाया था एक पार्लियामेंट की पावर में, इफ पार्लियामेंट पासेस, इफ लोकसभा, आपने कल किया था लोकसभा पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, आपने अभी कल ही किया इसको पार्लियामेंट की पावर्स में, इट हैज फुल कंट्रोल ओवर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दैट इज अनस्टेबल टू, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पता है ना आपको, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना दैट इज अनस्टेबल टू पार्लियामेंट, अगर तो इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, अगर पार्लियामेंट वोट पास कर दे नो कॉन्फिडेंस की अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही मैंने कल करवाया था, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड, कौन है इसका हेड, प्राइम मिनिस्टर, हैज टू रिजाइन इमीडिएटली, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने हेड के साथ रिजाइन करना पड़ता है इमीडिएटली, क्योंकि वी आर लिविंग इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये इसका हेड कौन है, पूरा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट देयर नेम आफ्टर कमिंग, जब प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है तो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट द नेम ऑफ दीज मिनिस्टर्स, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बहुत क्लोज होते हैं, जिसको उसने मेजर डिपार्टमेंट देने होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स कंट्री के लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड्स आप कह सकते हो अपना प्राइम मिनिस्टर, वेरी क्लोज, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को लेके इंडिपेंडेंट होते हैं, और अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट्स इफ दे आर इन्वाइटेड बाय द कैबिनेट, अदरवाइज दे विल नॉट अटेंड द मीटिंग्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं, आप बताओगे कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, they are attached to cabinet and they help the members of the cabinet ministers in their work, to is way se aap isko karoge, theek hai, to next aajo aap president, sorry prime minister pe aao pehle, kyunki head of council of minister is prime minister, come to prime minister, ke how prime minister of the country is elected and write his powers, to how the prime minister of country is elected, no need to write, aapko aise hi aana chahiye, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल के प्राइम मिनिस्टर की कभी भी स्पेशल इलेक्शंस नहीं होते, पता है ना, प्राइम मिनिस्टर के कभी भी इलेक्शंस हुए, स्पेशल इलेक्शंस हुए प्राइम मिनिस्टर के, कभी नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इलेक्शंस नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कौन बनता है, जैसे इंडिया में इलेक्शंस हुए एंड 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई हैव टोल्ड यू, एंड उन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पार्टी मेजोरिटी सीट्स ले गई वो पार्टी विनर हो गई, एंड उस पार्टी का जो लीडर है, लीडर ऑफ दैट पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टी दैट शोज इट्स मेजोरिटी, जो पार्टी आफ्टर इलेक्शंस मेजोरिटी शो करती है, लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और इससे इस प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ओथ सेरेमनी कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, नो प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी भी स्पेशल इलेक्शंस नहीं होते, आपको इतना याद रखना है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, पार्टी दैट शोज मेजोरिटी आफ्टर द इलेक्शंस, पार्टी दैट दैट इज डिक्लेयर्ड विनर, एंड लीडर ऑफ दैट पार्टी becomes the prime minister of the country and he is appointed by president, oath ceremony is also conducted by his oath ceremony is also conducted by president, then after his selection he suggested the name of the council of ministers, to prime minister council of ministers ke name jo hai wo suggest karte hain, theek hai, fir unki bhi oath ceremony jo hai wo bhi kaun conduct karwata hai, president, अब ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की कभी भी स्पेशल इलेक्शन नहीं होते, तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इज इट क्लियर हाउ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, आपने बताना है, नो स्पेशल इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं होते, इन लोकसभा इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी that gets maximum number of seats is declared winner and the leader of that political party, jo party apni majority show karti hai, that party that shows majority that is declared winner and leader of that party becomes the prime minister of the country, wo prime minister ban jate hain and he is appointed by the president, wo ceremony is also conducted by the president, तो नो स्पेशल इलेक्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब ये आपको अगर पेपर में फंक्शंस या पावर्स कुछ भी क्वेश्चन आए तो आंसर इज सेम, फंक्शंस एंड पावर्स नो डिफरेंशिएट,
कोई फर्क नहीं है, अगर आपको पावर्स आती हैं या फंक्शंस आते हैं तो बात एक ही है। अब आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखोगे कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप पॉइंट्स बनाते जाना, पॉइंट्स करोगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मैं वैसे ही बताती हूँ, आप लेसन ध्यान से सुनो। ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इंजॉयज ऑल द पावर्स अंडर द नेम, प्राइम मिनिस्टर जो है इंजॉयज ऑल द पावर्स अंडर द नेम ऑफ प्रेजिडेंट। ऑल द पावर्स आर इंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री अंडर द नेम ऑफ प्रेजिडेंट। नेक्स्ट, ही साइंस मेजर treaties and agreements with other countries. He signs treaties and agreements with other countries under the name of president. Next, he is the leader of majority party in Lok Sabha. ये सारी उसकी powers हैं। फिर he suggests the name of, he suggests the name of Council of Ministers to the President. Council of Ministers के name कौन suggest करता है? Prime Minister. Next, he allocated the departments to the ministers. He allotted the departments to the ministers. मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही कैन चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर इफ ही वांट, ही और शी, आप ही और शी करके लिख सकते हो। वो मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है तो, वो चेंज भी कर सकते हैं। ही और शी कैन चेंज द डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्टर इफ वांट, अगर उनको लगता है तो दे कैन, ही और शी कैन चेंज the departments of the ministers. Next, आप बता सकते हो, he has power to dismiss the ministers. He has power to dismiss the ministers. He chairs cabinet meetings. He chairs cabinet meetings. Next, he chairs cabinet meetings. He is just like us. He is just like a sun. And other ministers are like planets revolve around him. He is just like a sun. Other ministers kya hain? Like planets revolve around him. Next, he is the, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम कर रहे हैं, he is the commander of the ship and other ministers are like crew members. He is the commander of the ship and other ministers are like crew members. Crew members होते हैं and people are like passengers. हम लोग कौन है उस ship में? Passengers. हम लोग पैसेंजर्स हैं, हमें कौन से डेस्टिनेशन पे ले जाए डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ लिसन अगेन, इतना पावरफुल है कि वो जस्ट लाइक सन है एंड अदर मिनिस्टर्स आर लाइक प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड प्राइम मिनिस्टर। फिर हमने कहा ही इज जस्ट लाइक कमांडर ऑफ द शिप एंड अदर मिनिस्टर्स आर लाइक क्रू मेंबर्स एंड वी पीपल आर पैसेंजर्स इन दैट शिप। ठीक है, तो इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज वेरी पावरफुल इन अवर कंट्री। लिसन अगेन, हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी स्पेशल इलेक्शंस नहीं होते। आपने कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हो रहे हैं? नो, कभी भी प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इलेक्शंस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी चीफ मिनिस्टर के स्पेशल इलेक्शन नहीं होंगे। पंजाब में अभी होने ही है, तो ये थोड़ा कि चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करो, हमने तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सिलेक्ट करने हैं और जो पार्टी मेजोरिटी शो करेगी उसका लीडर क्या बन जाएगा? चीफ मिनिस्टर। सेम एज हियर आपने कहना है, नो स्पेशल इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर आपने कहना है लोकसभा इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी दैट शोज मेजोरिटी, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी शो करती है
लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. अब लीडर ऑफ वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर तो बन जाता है, बट वो अपने आप ही थोड़ा अपने आप ही आके कह देगा नो आई एम द प्राइम मिनिस्टर. आपने बताना ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. उसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इस वजह से आपने पहले प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के बारे में बताना है, फिर आप बताओगे ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. फिर आप अपने आप उसकी पावर्स के बारे में बताते जाओगे, ही इंजॉयज ऑल द पावर्स अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ही साइंस मेजर ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. आपने मोस्टली नोट किया होगा जितने भी फॉरेन टूर्स थे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किए गए. प्रेसिडेंट रेयर केसेस में बाहर जाते हैं. आपने मोस्टली नोट, और वैसे भी एक बात याद रखना, कभी भी कोई मिस हैपनिंग भी हो जाए ना, तो ये उसकी पावर नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ कि क्रिटिसिज्म फेस करने कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर. कभी भी प्रेसिडेंट हम लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करने, कुछ भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो कौन क्रिटिसिज्म फेस करने आता है? प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट नहीं आएंगे. क्यों? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने इलेक्ट किया है एंड प्राइम मिनिस्टर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट नहीं किया. तो ठीक है, क्रिटिसिज्म फेस कौन करने आता है? प्राइम मिनिस्टर. ये उसकी पावर नहीं है. मैंने वैसे आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैव टू फेस क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल. इसको क्रिटिसिज्म भी देखो फेस करना पड़ता है. नो डाउट ही इंजॉयज ऑल द पावर्स, बट ही हैज टू फेस क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल आल्सो. बट ये उसकी पावर में लिख मत देना, मैंने वैसे बताया. तो पहले तो आप बताओगे इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, फिर आप बताओगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना इंजॉयज ऑल द पावर्स अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फिर जितने भी मेजर एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, वो सब कौन साइन करता है? प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सब कुछ प्रेसिडेंट के नेम के अंडर हो रहा होता है. फिर आपने कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा होता है एंड प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर ही सजेस्ट करता है सारे नेम. ठीक है, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. कैबिनेट मीटिंग का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. तो सारे डिपार्टमेंट, सारे मेजर डिपार्टमेंट तो यही है ना, कैबिनेट मिनिस्टर. सारे मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री कौन ले रहे हैं? ये तो ले ही नहीं रहे मेजर डिसीजन, ये ले रहे हैं. ये है मेजर, ये है प्राइम मिनिस्टर के वेरी क्लोज फ्रेंड्स. तो ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, आप ये भी कहोगे, है ना. तो फिर आप कहोगे ही अलॉटेड द डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर्स. मिनिस्टर, अब इधर अगर मैं बोलूँ 30 मिनिस्टर्स हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई रेलवे मिनिस्टर है, कौन इनको डिपार्टमेंट देता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर अलॉटेड द डिपार्टमेंट टू द मिनिस्टर्स एंड वेन एवर ही थिंक, कभी भी उसे लगता है तो ही कैन चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर. वो डिपार्टमेंट चेंज किए जाते हैं. हमारी कंट्री में ही आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी को पहले कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, बाद में उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया. तो कई बार प्राइम मिनिस्टर चेंज भी करते हैं डिपार्टमेंट्स को आफ्टर एलोकेशन. तो अगर उनको लगता है कि पर्सन को डिपार्टमेंट चेंज कर देना चाहिए, तो डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ही कैन चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स. ही कैन ऑल्सो डिसमिस द मिनिस्टर्स. अगर उनको लगता है कि कोई मिनिस्टर करप्ट है या कुछ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज फुल राइट टू डिसमिस द मिनिस्टर्स. पूरा राइट है उनको मिनिस्टर्स को डिसमिस करने का. तो इट मीन्स हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज वेरी पावरफुल. तो इस वे से आप लिख दोगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स. अब आप आ जाओ प्रेसिडेंट. तो वो मैं आज नहीं कराऊंगी, अदरवाइज मिक्स्ड हो जाएंगी आपकी सारी पावर्स. आपने प्रेसिडेंट की पावर्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपको सिर्फ आउटलाइंस बताऊंगी प्रेसिडेंट की पावर्स के. आज आपने दो टॉपिक लर्न करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फिर आपने एक और टॉपिक लर्न करना, दैट इज हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री इलेक्टेड एंड राइट हिज पावर्स. मैंने एक बात और बोली है, प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक क्या है? सन. मिनिस्टर्स कैसे हैं? प्लैनेट की तरह इसके गिर्द घूमते हैं, प्राइम मिनिस्टर के गिर्द घूमते हैं. ठीक है, फिर हमने एक बात और बोली कि प्राइम मिनिस्टर एक जस्ट लाइक कमांडर ऑफ द शिप है. इंडिया, इमेजिन के इंडिया के सारे लोग एक शिप में हैं. तो प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक द कमांडर ऑफ द शिप एंड मिनिस्टर्स आर जस्ट लाइक क्रू मेंबर्स एंड वी पीपल आर पैसेंजर्स. अब हमें किस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है? प्रोग्रेस के डेस्टिनेशन पे, तो इट्स ओन प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ. आपको पावर्स आए, फंक्शंस आए प्राइम मिनिस्टर के, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस वजह से आपने इसको आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर